हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक छोटा सा शहर होप, आज मैं होप आया हूँ। तो बेसिकली एक छोटा सा वॉक अराउंड मैं दूंगा आप लोगों को। होप जो सिटी है, छोटा सा टाउन है, सिटी नहीं है, कितना ब्यूटीफुल है, बीसी में है। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि वैंकूवर से बस एक घंटे की दूरी पे ही है। और इसका जो ड्राइव है, ड्राइव भी बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव है। एंड छोटा सा एक यू नो डाउनटाउन, आप देखिए चारों तरफ बहुत ही कलरफुल शॉप्स एंड सीनरीज आर आल्सो सो गुड। आज तो वीकडेज है इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम है, वीकेंड पे थोड़ा सा भीड़ होता है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और ये जो डेस्टिनेशन है, दिस इज़ नॉट ओनली समर डेस्टिनेशन, यहाँ पे विंटर में भी लोग आते हैं, बहुत बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होता है यहाँ पे विंटर में। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, पहली बार इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, विंटर आ रहा है, क्योंकि कनाडा में आप लोगों को पता है कि विंटर जो होता है बहुत ही कड़क विंटर होता है, बहुत ही कड़क ठंड होता है। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि ठंड आ रहा है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आसपास इतना ज़्यादा सिटीज़ है, इतना छोटे छोटे टाउन है और बहुत कुछ करने को है, बहुत एक्टिविटीज़ करने को है। कितना कर पाऊँगा आई डोंट नो, बट वही सोच के अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे एक भालू भाई साहब, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा बियर है। तो ये इन लोगों के ट्रेडिशन में ही है, आप जहाँ पर भी जाओ आपको काफ़ी सारा ऐसे बियर के स्टैचू आपको मिलेगा। यस हेलो, माई फैमिली इज ओवर देयर, दे आर ऑल्सो रोमिंग। तो इतना खूबसूरत जगह है दोस्तों, आपको ऐसे ही बस घूमने का मन करेगा। मैं इसके पहले हमेशा नोवा स्कोशिया को लेके बोलता था, हैलीफैक्स को लेके बोलता था कि हैलीफैक्स कितना खूबसूरत है। ऑब्वियसली हैलीफैक्स इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन बीसी के सामने शायद थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही कम है। चारों तरफ यू नो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाउन में या किसी भी आप यू नो छोटे छोटे जो सिटीज़ है उसके डाउन टाउन में आप चले जाओ बीसी में, और आप ऐसे ही मेरे ऐसे वॉक करो। मुझे रोड क्रॉस करना है तो आप ऐसे ही लाइक यू नो आप ऐसे ही इधर उधर घूमो, आपको कुछ ट्रिप एडवाइज़र देखने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई ट्रैवल एडवाइज़र देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पर मर्जी है आप वहाँ पे चले जाओ, और बीसी में आपको ऐसे खूबसूरत जगह हर जगह पे मिलेगा। वैसे अभी मेरा सिग्नल हो गया, आई विल गो टू द अदर साइड। काफ़ी भीड़ कम है, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई लाइक बेसिकली। अगर हम लोग जो इंडिया से आते हैं तो इंडिया में इतना भीड़ होता है, हम लोगों को अगर ऐसे अच्छा जगह मिलता है जहाँ पे भीड़ कम है तो ऐसे ही अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा एक स्टैचू किया हुआ है, कितना बढ़िया स्टैचू, देखिए एक बियर, नीचे कोई भाई साहब अपने खिड़की से देख रहा है। लेट मी क्रॉस द स्ट्रीट वन सेकेंड। तो देखिए कितना खूबसूरत, इतना स्कल्पचर किया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए एक छोटा सा एक घड़ी है, राइट, अगर आपको टाइम देखना है तो आप टाइम देख सकते हो। एंड आई नो, आई डोंट नो हु इज दिस जेंटलमैन, कुछ तो हिस्ट्री होगा यहाँ पे, कुछ तो हिस्ट्री होगा। माई फैमिली इज टेकिंग फोटोज, अनलिमिटेड फोटोज लेने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो देखिए चारों तरफ इतना कुछ है यहाँ पे देखने को, ये इसको बोलते हैं बिग लीजेंड। देखिए ये जो बीच में जो पुतला बना हुआ है, मेरा बेटा नहीं है, बीच में जो पुतला है इसको बोलता है कि बिग लीजेंड या बिग ह्यूमन। यहाँ पे बोला जाता है कि पहाड़ों के ऊपर इन लोगों को कुछ तो एक पाओ की निशानी मिला था किसी एक ज़माने में, जो इंसान के पाओ के ऐसा ही है लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो तब से कुछ लोगों ने रूमर्स किया, या यू नो आई डोंट नो क्या हिस्ट्री है, बट जस्ट लुक एट दिस बैकग्राउंड फ्रेंड, दिस इज होप, यू नो आउट ऑफ सिलेबस। सोमो कम दिस साइड, सो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। बीसी में अगर आप घूमने आते हो आप कहाँ कहाँ जाओगे, बहुत कुछ है। देखिए रैम्बो, आदि आदि दिस इज रैम्बो,
रैम्बो का एक स्टैचू बना हुआ है। ये देखिए रैम्बो फर्स्ट ब्लड। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन रैम्बो का ये पे स्टैचू क्यों है। रैम्बो मूवीज तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा बियर। यहाँ पे काफ़ी सारा बियर्स है, ब्लैक बियर्स। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो एक भी देखने को नहीं मिला, बट देखिए आपके बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है। तो बेसिकली अगर आप डे ट्रिप में आते हो फ्रॉम वैनकूवर, आप होप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। आसपास काफ़ी सारा ट्रेल्स है और ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। आप बस डाउन टाउन में आओ, खाओ पियो और थोड़ा सा रिलैक्स करो। यहाँ पे काफ़ी सारा पिकनिक टेबल्स है, हर जगह पे बैठने का जगह है। तो आप किसी भी जगह पे ऐसे किसी भी जगह पे आप बैठ के आराम से आप नेचर का भरपूर आनंद ले सकते हो दोस्तों। सो छोटा सा टाउन है, मैं और भी आगे जाऊंगा और आपको ऐसे ही सीनरी मिलेगा। आप जिधर भी देखोगे, बीसी का एक ही खासियत है, आप जिधर भी देखोगे आपको फ़ोटो लेने का मन करेगा। आपको ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ठीक है यहाँ पे फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे भी बैकग्राउंड कितना बढ़िया है देखिए, और यहाँ पे भी देखिए कुछ तो बना हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये तो एक ड्रैगन है, एक ड्रैगन का स्कल्पचर। बच्चों को अच्छा लगता है सब। सो एनीवे दिस इज होप डाउनटाउन। छोटा सा एक वॉकआउट वीडियो मुझे आप लोगों को देना था कि कितना खूबसूरत है बीसी, कनाडा कितना खूबसूरत है। ऐसे कनाडा में आप किसी भी छोटे छोटे शहर में डाउनटाउन आप एक्सप्लोर करो, आपको अच्छा रहेगा। हर जगह पे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होता है, कुछ ना कुछ स्टोरी होता है। तो यहाँ पे अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन इसके नीचे भी देखिए जितना भी स्टैचू है यहाँ पे सबके नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या रीज़न क्या है, क्यों इन लोगों ने ऐसे बनाया। और देखिए डाउनटाउन के अंदर शहर के बीचों बीच कितना बढ़िया गार्डन, कितना बढ़िया पार्क। आप जिधर चाहो आप वॉक करो, आपको अच्छा रहेगा। चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे ऑटम हो, कोई भी सीज़न हो, डैम ब्यूटीफुल। हम लोग ऐसे जगह पे घूमने के लिए इंडिया में हम लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, राइट। और देखिए मैं अभी कितना फॉर्चुनेट हूँ, मैं बीसी में हूँ और इतना बढ़िया जगह, पूरा नेचर का जो रस है, पूरा नेचर का रस मैं पी रहा हूँ। एनीवे देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियोज अगर अच्छा लगता है प्लीज़ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमेंट है, कुछ जानना चाहते हो आप लोग बीसी के ऊपर, कोई जगह के बारे में अगर आपको जानना है, कुछ भी जानना है रिगार्डिंग ब्रिटिश कोलंबिया, वैनकूवर और कनाडा, आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। कभी कभी टाइम नहीं मिलता, जब भी टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं आंसर करूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं फुल टाइम सर्विस करता हूँ, मेरा फुल टाइम जॉब है, उसके बाद बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, उसके बाद ये कभी कभी मैं अगर कहीं पर घूमने आता हूँ, कुछ अच्छा अगर दिखता है तो मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, सो दैट क्योंकि मुझे ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स है, ट्रैवल वीडियोस, जो रियल लाइफ वीडियोस है मुझे देखना बहुत पसंद है। मैं खुद भी देखता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को मैं खुद फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। खास करके जो लोग अनएक्सप्लोर्ड जगह में जाके एक्सप्लोर करता है, वो सब जानने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं भी जहाँ पर जाता हूँ मुझे अगर ऐसे कुछ अच्छा लगता है तो मैं वीडियोज़ में लेके आता हूँ। सो दैट अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हो तो आप लोगों को भी इस जगह के बारे में, इस एरिया के बारे में पता चले, या फिर लोग कैसे अपना लाइफस्टाइल लीड करते हैं, कैसे रहते हैं, और दुनिया में ऐसा कितना खूबसूरत जगह है हम लोगों के साथ पता भी नहीं है। तो दैट इज़ द मोटो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को कुछ कमेंट है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ फीडबैक है प्लीज़ दीजिए, और देखते रहिए। थैंक यू।